क्या आप एक YouTube क्रिएटर हो और आप YouTube के लिए वीडियोस बनाते हो और वीडियोस बनाते बनाते तो पसीने में थक जाते होंगे क्योंकि पीछे फैन और एसी नहीं चलता है, बैकग्राउंड नॉइस आ जाएगा और इस चीज को लैपटॉप और पीसी में तो आसानी से कोई किसी भी सॉफ्टवेयर से रिमूव कर सकते हो, लेकिन मोबाइल यूजर के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो बेसिकली और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज एक ऐप आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसमें से आपका जो बैकग्राउंड नॉइस नहीं, आप अपना वॉइस को प्रोफेशनल यानी स्टूडियो को जैसे बना सकते हो। तो दोस्तों मेरा नाम है विष्णु और विष्णु टेक चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो वीडियो शुरू होने के पहले मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो ऐप है नए यूजर के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और डाउनलोड करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, किसी पार्ट को स्किप नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना वीडियो एडिटर ऐप को खोल लेना है। तो मैं यूज करने वाला हूँ काइट मास्टर, अगर आप किसी दूसरे ऐप यूज करते हो तो आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस वीडियो को आपको वॉइस ओवर देना है उस वीडियो को पहले आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको एक ऐप की जरूरत पड़ने वाली है जिस ऐप की नाम है वीडियो टू MP3 कन्वर्टर, आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप किसी ऑडियो कन्वर्टर आपका ऐप यूज करते हो तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये ऐप थोड़ी अच्छी ऐप है क्योंकि इसमें आपको HD क्वालिटी में कन्वर्ट मिल जाता है, क्योंकि 320 KBPS में आपको कन्वर्ट मिलता है और साथ में फॉर्मेट में MP3 और WSV मिल जाता है। सिंपली यहाँ पे बिट रेट 320 करके और फॉर्मेट MP3 करके आपको वीडियो से ऑडियो कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको एक ऐप खोल लेना है जिसका नाम है बैंडवेव, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो खोलने के बाद आपको एक प्लस सिंबल दिख रहा होगा, प्लस सिंबल में क्लिक कर ऐप में एंटर होने के बाद आपको टॉप में कुछ ऑप्शन मिलता है जो आप इस ऐप का द्वारा कर सकते हो। इम्पोर्ट ट्रैक, किसी भी वॉइस को आप एडिट कर सकते हो, आप किसी भी वॉइस से म्यूजिक बना सकते हो, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, लूपर बना सकते हो या कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अपना म्यूजिक तैयार कर सकते हो। बेसिकली ये ऐप को हम स्टूडियो बोल सकते हैं क्योंकि इस ऐप का द्वारा आप ऑडियो की जो भी ऑप्शन मिलता है वो आप पीसी का छोड़ के मोबाइल में आराम से कर सकते हो। तो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ बैकग्राउंड रिड्यूस और अपना जो है वॉइस को यानी अपना वॉइस को प्रोफेशनल बनाने के लिए। सो इसके लिए आपको इंपोर्ट ट्रैक का ऊपर टैप करना है और यहाँ पे आपको दो चीज़ की एलो मांगी की, एक तो रिकॉर्ड ऑडियो की और एक आपका फाइल ब्राउजिंग की। तो आपको सिंपली एलो कर देना है, एलो करने के बाद वो फाइल में चले जाना है जहाँ पे अपना वॉइस जो है इंपोर्ट किए थे और वो फाइल को आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरह कुछ होम पेज देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली इस वॉइस को या ऑडियो को एडिट करने के लिए आपको इस सिंबल का आपको टैप करना है सिंपली। अब आपको पहले मिलता है ऑटो पिच, आप ऑटो पिच में जाके आप अपना पिचिंग स्पीड यानी बोलने का जो स्पीड है वो आप इंक्रीज या लो भी यानी मैनुअल कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको इफेक्ट्स वर्क वो टैप कर लेना है और यहाँ पे आपको आप अपना वॉइस के हिसाब से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप चूज कर सकते हो। मोबाइल में तो आसानी से एडिट कर लेते हो लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम आता है वो है बैकग्राउंड नॉइस, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अब अपना वॉइस और टॉपिक के हिसाब से किसी भी ऑप्शन को चूज कर लेना है और चूज करके आपको सिंपली ऐसे छोड़ देना है, आपका जो ऑटोमेटिक वॉइस चेंज हो जाएगा। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो सिंपली कस्टमाइज का टैप करना है और यहाँ पे आपको पहले देखने मिलता है नॉइस गेट, आपका जो बैकग्राउंड का नॉइस का हिसाब से आप अपना मैनुअल सेटिंग कर सकते हो इधर से। और अब किसी भी आपको अगर एक्सटेंशन और ऐड करना है अपना वॉइस को HD और हाई क्वालिटी के बनाने के लिए तो आप सिंपली एक्सटेंशन कर सकते हो, उसके लिए प्लस सिंबल में टैप करना है और यहाँ पे आपको किसी भी ऑप्शन को चूज कर लेना है। मैंने स्टूडियो देता हूँ, तो लेने के बाद देखिए आपको इस तरह आप किसी ऑडियो को आपको स्टूडियो जैसा यानी मिक्स कलर और साइज के हिसाब से आपको एडिट कर देना है और यहाँ पे आपको ऐसे छोड़ देना है। और आपको अगर लगता है आपका जो बैकग्राउंड नॉइस है और थोड़ी बहुत रिमूव करना है तो आप कर सकते हो, सिंपली उसको जो बैग होना है और ये ब्लू लाइन का ऊपर आपको लॉन्ग टैप करके रखना है। और आप जब वॉइस ओवर यानी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको साउंड एरिया चूज कर लेना है और मैटर नहीं करती आप कौन सी माइक से या कौन सी हेडफोन से रिकॉर्ड कर रहे हो। तो सिंपली इस लाइन का ऊपर आपको लॉन्ग टैप करना है और 3 डॉट का ऊपर टैप करके आपको डी नॉइस में क्लिक कर लेना है। डी नॉइस में जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो डी थोड़ी बहुत नॉइस है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा और हटने के बाद आपको सिंपली इस चीज को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए इस एरो का ऊपर आपको टैप करना है और टैप करने के बाद आपको इस सेव में क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपना फाइल कुछ नाम दे सकते हो, मैं कुछ भी दे देता हूँ, आपको कोई भी दे देना है और आपको नाम देके नेक्स्ट करके अपना डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल के आपको सेव कर लेना है। और यहाँ पे आपका कम्प्लीटली ऑडियो एडिट हो चुका है और सेव भी हो चुका है, अब इसको डाउनलोड करें।
डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको होम पेज में आना है इस ऐप की, और आपको राइट साइड नीचे आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, उसका आपको टैप करके माय प्रोजेक्ट में आपको टैप कर देना है। माय प्रोजेक्ट में टैप करने के बाद आप जो भी वीडियो ऑडियो एडिट किए वो उसका आपको टैप कर देना है, और डाउनलोड करने के लिए थ्री डॉट डाउनलोडिंग ऑप्शन का ऊपर टैप करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन मिलता है, ऑडियो एंड वीडियो। आपको ऑडियो नहीं करनी है, वीडियो करनी है। अगर आप ऑडियो का वो टैप करते हो तो आपका सामने कुछ इस तरह का ऐप आ जाएगा जिसमें से आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हो। तो आपको सिंपली बैक होना है और आपको वीडियो में क्लिक कर लेना है। वीडियो में क्लिक करके आपका जो वीडियो एडिटर ऐप है वो आ जाएगा। मैं काइनमास्टर यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास काइनमास्टर आया है। काइनमास्टर में टैप कर लेना है, और काइनमास्टर में जब आप टैप करोगे तो आपका सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। और आप सोच रहे होंगे आप इस तरह क्यों डाउनलोड करना है, तो बेसिकली मैं बताऊँ यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो इसका तीन चीज़ फ़ायदा है, दो तीन फ़ायदा है मैं आपको बता दूँ। पहला है आपका जो डाउनलोड करने का जो इंटरनेट है वो खर्चा नहीं होगा, और आपका मेमोरी भी खर्चा नहीं होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो आपका जो डाउनलोड ब्राउजिंग करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए जो टाइम है वो भी बच जाएगा। जैसे तो सिंपली इसका ऊपर आपको मीडिया में टैप करके आपका जो वीडियो है जो एक्सपोर्ट किए थे वो आपको रिसाइज कर लेना है, और रिसाइज करने के बाद आपको सिंपली ऐसे छोड़ देना है, और आपका जो वीडियो का जो साउंड है वो आपको ऑफ कर देना है। आप एक YouTube क्रिएटर हो और YouTube सो आप इसी तरह किसी भी वीडियो की ऑडियो को बैकग्राउंड रिमूव या बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर सकते हो इजीली, और इस ऐप इस वीडियो में जितना भी ऐप दिखाया गया है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। तो इतना करने के बाद आपको सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है, और आपका जो वीडियो है वो रेडी हो चुका है। सो आप इसी तरह वीडियो और ऑडियो की जो बैकग्राउंड नॉइज है वो इजीली रिमूव कर पाओगे, और ये सिर्फ एंड्रॉइड यूजर के लिए नहीं है, ये आप iOS में भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज़ लाइक करके जाइए। और अगर आप इस ऐप की कुछ डिटेल्स ना चाहते हो, डिटेल्स में वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह जेन्युइन कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑल में कर दिए नोटिफिकेशन पहले पहुंचने के लिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए वंदे मातरम।